Hello, new parents and friends. I am Dr. Anuj Kumar Dhama. I am practicing pediatrician in Gurgaon. पहले भी आपने कुछ वीडियोस मेरे देखे होंगे, हो सकता है कि आज आप फर्स्ट टाइम व्यूअर है. आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, बहुत कॉमन टॉपिक है, कॉलिक इन चिल्ड्रन या मरोड़ जो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, या फिर बच्चों को गैस बहुत ज़्यादा बनती है. ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड पेरेंट हैज़ दिस प्रॉब्लम कि हमारे बच्चे को इशू होता है, बताइए क्या सॉल्यूशन निकालें इसके. बिजी ओपीडी में मोस्टली पीडियाट्रिशियन के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपको इन चीज़ों के बारे में छोटी छोटी नुस्खे बता सकें, छोटी छोटी हेल्प प्रोवाइड कर सकें. सो पर्पस इस वीडियो का ये है कि आप अपने आप इसको वॉच करें, इसके कारणों को देखें और इसको ट्रीट करने का तरीका ढूंढें. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले, व्हाट इज़ कॉलिक इन चिल्ड्रन? कॉलिक या मरोड़, अगर हमारा बच्चा जो अभी 3-4 हफ्ते का हुआ है, 3-4 वीक्स ओल्ड है, ऑल ऑफ अ सडन जो अब तक बड़ा अच्छा वेल बिहेव्ड बच्चा था, अचानक से क्या होता है कि शाम के टाइम में बच्चा रोना शुरू कर देता है, 3-4 घंटे रोता है. हर रोज़ की बात हो गई है, हर रोज़ बच्चा 3-4 घंटे रोता है. हमारे लिए वो शाम बड़ी भारी पड़ जाती है, बट हमारा बच्चा उसके बाद आराम से सो जाता है. हमें हर रोज़ टेंशन रहती है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है. अगर किसी बच्चे को ऐसा हो रहा है, डेली बेसिस पे हो रहा है या हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन हो रहा है, 3 हफ्ते हो गए हैं और हर रोज़ 3-4 घंटे के लिए होता है, तो इसको बोल देते हैं कॉलिक. सो इसका कोई अंडरलाइंग रीज़न है? मोस्टली अभी तक कोई डेफिनेटिव एसोसिएशन नहीं है, बट कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जो इससे रिलेट की गई हैं. सबसे पहला है फीडिंग की प्रॉब्लम, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो फीड पूरा नहीं लेते हैं, या कुछ बच्चे ओवर फीड कर देते हैं, स्पेशली जो टॉप फेड बेबी होते हैं. बड़े ओवर एंथुजियास्टिक पेरेंट्स होते हैं कि जी हम ज़्यादा दूध पिलाएंगे और हमारा बच्चा जो होगा जल्दी से तंदुरुस्त और मोटा हो जाएगा. बट होता क्या है, उससे बच्चे का पेट ज़्यादा भर जाता है, बच्चा बहुत परेशान रहता है. That is a very common thing. Second is burp ना कराना बेबी को, burping is not done. So whenever we feed our baby, तो हमें उसको burp कराना बहुत ज़रूरी होता है. burping के कुछ तरीके होते हैं, जो सबसे common सा तरीका है वो है बच्चे को upright ले लो, अपने कंधे पे लगा लीजिए और 5-7 मिनट तक उसके बैक पे उसको सलाइए, उससे बच्चा burp ले लेता है. इससे ज़्यादा लंबा करने को ज़्यादा फ़ायदा नहीं है और इससे कम भी नहीं करना चाहिए. आपको लगा एक मिनट में बच्चे ने बर्प कर लिया, चलो लिटा देते हैं, ऐसा नहीं है. 5-7 मिनट्स देने चाहिए. उसके बाद में बच्चे को जब लिटाना है तो उसको एकदम हॉरिजॉन्टली नहीं, सीधा नहीं लिटाना है, थोड़ा सा हेड एंड ऊपर कर लीजिए. हेड एंड का मतलब ये नहीं कि हमने उसकी नेक की फोल्ड कर दी है, हमने पूरा बेबी ही ऊपर कर दिया है, बेड वाला हिस्सा उस साइड से ऊपर कर दिया है, बेड शीट जैसे लगा के आप कर सकते हैं. तो सेकेंड इज़ कि हमने उसकी पोजिशन चेंज कर दी है. थर्ड, जब हमारा बेबी अवेक हो, जब जाग रहा हो, तो हम उसको टमी टाइम दे सकते हैं. पीडियाट्रिशियन बड़ी कॉमन होती है टमी टाइम दे देना. होता क्या है टमी टाइम, जब हमारा बच्चा जाग रहा है तब हमने उसको वापस से उल्टा करके लेटाना है. अगर ये उसका सीधा है तो उल्टा ऐसे करके लेटाएंगे, बच्चे की जो टमी है वो बेड पर टच करेगी, उसको फ्यू मिनट्स मीन्स 5-10 मिनट्स उसको उस पर देंगे, उसकी जो गैस होगी मूव करेगी और बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा. कुछ बच्चे जो होते हैं वो अटेंशन सीकर्स होते हैं, बड़े इमोशनली सेंसिटिव होते हैं सच. अगर उनके अपने पेरेंट्स नहीं नज़र आने शुरू हो या कोई मूवमेंट नहीं दिखी तो बोर हो जाएंगे एंड वो फिर शाउट करना स्टार्ट कर सकते हैं. तो उनमें उनको सूद करना बड़ा इजी होता है, उनको अपनी गोदी में ले लेंगे, उनको रॉक करेंगे, रिदमिक मूवमेंट्स करेंगे, तो उससे बच्चा बहुत अच्छा फील करता है. या उनको स्वेडल कर देते हैं. स्वेडल का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने बच्चे को प्रॉपरली एक क्लोथ में बांध दिया है. आप यूट्यूब पे जाएंगे, बहुत से चैनल्स मिलेंगे जिसमें आप स्वेडलिंग ढूंढ सकते हैं, स्वेडलिंग कैसे करते हैं, तो स्वेडल कीजिए, उससे भी बच्चे को रिलीफ मिल सकता है. ये तो वो चीज़ें होगी जो कॉमन सी हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चों को किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. कभी कभी बच्चे को दूध नहीं पच रहा होता है या दूध से एलर्जी हो रही होती है, काउ मिल्क एलर्जी बोलते हैं. नहीं पचने का मतलब होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है. और थर्ड बोलते हैं गैसोइसोफेजियल रिफ्लक्स, मतलब बच्चे का दूध जो होता है पेट से ऊपर चढ़ रहा होता है. जब न्यूबॉर्न्स होते हैं उनका कई बार एक वॉल्व होता है जो आपके फूड पाइप और स्टमक के बीच में होता है, वो थोड़ा सा लूज़ होता है. तो वो लूज होने के कारण से जब बच्चा फीड करता है तो थोड़ी देर के लिए दूध हवा के साथ में ऊपर आता है, तो उससे भी बच्चा परेशान रहता है. सो ये चीज़ें रूल आउट आपके डॉक्टर ही कर सकते हैं, ये वीडियो पे नहीं हो सकता, आप अपने आप डायग्नोस नहीं कर सकते हैं. तो अब हमने पॉसिबल रीजंस ढूंढ लिए हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने बच्चे को मैनेज करना है. सबसे पहले क्या हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? जी हाँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं. सबसे पहले मदर का लाइफस्टाइल. मदर्स को शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा पर आपको थोड़े से चेंजेस करने चाहिए. बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए. अगर आपका बच्चा बहुत गैसी है तो कुछ फूड्स हैं जो बच्चे के अंदर गैस ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये इसके ऊपर कोई साइंटिफिक लिटरेचर नहीं है पर ये फीडबैक फ्रॉम द पेरेंट्स इट्सेल्फ है.
जैसे कि अगर आप डाइट में अनियंस ज़्यादा लें, टोमेटोज ज़्यादा लें, जो ब्रोकोली ज़्यादा खाते हैं या कैबेज ज़्यादा खाते हैं, पत्ता गोभी जो ज़्यादा खाते हैं, उनके बच्चों में गैस की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। अल्कोहल इंटेक भी जितना हो सके नहीं करना चाहिए, और अगर आप ऐसे हैं कि नहीं आप लेते ही हैं तो जब आप अल्कोहल ले लें तो एटलीस्ट उसके 4 घंटे बाद तक फीड नहीं कराना अपने बच्चे को। बाकी मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ फीडिंग के बारे में, बर्पिंग के बारे में और हेड अप करने के बारे में, उससे भी कॉलिक प्रिवेंट हो सकता है। अब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, सो अब उसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो हमने टमी मसाज करना है बेबी का। टमी मसाज कैसे करते हैं? पेट के ऊपर आप हाथ रखिएगा और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, जैसे सुई घूमती है क्लॉक की, उसी डायरेक्शन में, उल्टा नहीं घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, 5 to 10 times करना है। उसके बाद आपने बच्चे की लेग्स को पकड़ना है और उसको पेट के ऊपर लेके जाना है और थोड़ा प्रेस कीजिएगा उससे, तो उससे अगेन बच्चे की गैस रिलीज होती है, बच्चे को कम्फर्ट मिलता है और बच्चा रिलैक्स कर जाता है। सेकेंड, स्वेडलिंग बताया था, उसको जैसे अगर कॉलिक हो रहा है उसी तरह अगर हम बच्चे के क्लोथ प्रॉपरली उसको टाई कर दें तो उससे बच्चे को लगता है कि वो मदर की लैप में आ गया, उससे रिलीफ मिलता है। थर्ड, रॉकिंग मोशन से मिलता है, बच्चे को गोदी में लेके घुमाएं, उससे फ़र्क पड़ता है। उसके बाद में हम वाइट नॉइज़ क्रिएट कर सकते हैं। वाइट नॉइज़ होता है कि हम बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं रखेंगे, बट पीछे एक लाइट सा म्यूज़िक चला सकते हैं, जैसे कोई झरने का पानी है, पत्तों की आवाज़ है, या जैसे बर्ड्स का चहचहाना है, तो इन चीज़ों से भी अगर हम बैकग्राउंड में चलाएं तो बच्चा थोड़ा सूदन हो जाता है। कुछ बच्चे ब्राइट लाइट से इरिटेटेड रहते हैं, तो कमरे की लाइट थोड़ा डिम कर दीजिए, उससे भी बच्चे को एक स्लीप वाली फीलिंग होती है, बच्चा कंफर्टेबल फील करने लग जाता है। अब एक बड़ी मज़ेदार बात है, वेल ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है, अब साइंटिफिकली भी प्रूवन है, अगर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है अपने बच्चे को गोदी में लीजिए और दोनों मिलके 15 मिनट कार में घूमने के लिए निकल जाइए, आपका बच्चा एकदम शांत हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके लिए हेल्पफुल भी है। अगर ऐसा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।